हेलो दोस्तों, आज डे फोर का ये ब्लॉग है और आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप लोगों को प्रयागराज संगम में स्वागत है। ये प्रयागराज का संगम है जहां गंगा जमुना सरस्वती का ये मिलन स्थल है और आज का ब्लॉग में पूरा ये चीज़ दिखाएंगे, संगम का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगने वाला है, तो स्टार्ट से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सारा जानकारी आप लोग को देते हुए सारा कुछ दिखाएंगे भी। तो चलिए, ये देखिए इसका गेट है और एक गेट है, हम उस तरफ से आए अभी इधर संगम में जाएंगे। तो संगम के लिए ये गेट है और एक गेट होते हुए हम अंदर जाएंगे संगम में। तो यही रहेगा आज के ब्लॉग में, तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं और बताते हुए चलते हैं। एक हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर से इधर हम लोग अभी घाट की तरफ जा रहे हैं, संगम की ओर जा रहे हैं। और संगम में हम लोग का जो स्नान वगैरह होगा संगम में होने वाला है और संगम की ओर जा रहे हैं। लगेज वगैरह सारा रख लिया और ये हनुमान मंदिर था जो कि आप लोग देख रहे हैं। और एक किला है और किले के सामने से हम लोग जा रहे हैं अभी संगम में। नज़ारा कुछ इस तरह है, एक किले का नज़ारा देखिए, बड़े बड़े किले। ये देखिए कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है। किला घाट 0.1, अक्षय घाट मंदिर 0, संगम 0.5 किलोमीटर और एक किला है, किला का बगल से। और ये देखिए किला का सुंदरता कितना बढ़िया है और ये यहाँ का बोर्ड था। देखिए मिलिट्री वाला पोस्ट था शायद यहाँ पर बैरिकेड करके रखा गया है। दोस्तों, ये हमारे साथ जो नीले शर्ट वाले हैं ये गाइड हैं और सावधान रहिए दोस्तों, कभी भी आप लोग आते हैं तो गाइड का सहारा हम बिल्कुल भी मत लीजिए। गाइड देखिए कैसे हमको बताता है कि हम सारा चीज़ अरेंजमेंट कर देंगे और उसके लिए 600 रुपये लेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद, घाट पहुँचने के बाद कुछ बहुत ही अलग तरीके से बात होता है। तो आप लोग आर्गूमेंट को थोड़ा देख लीजिए, बैठ कर जाएगा, बारे को काम हो गए तो नहीं बताएगा। यहाँ बता रहा है, यहाँ क्यों बता रहे हैं, अभी ले नहीं गए आप। ये चीज यहाँ बात हुआ पैसा के लिए, जब मैं आपसे जाओ बैठो पहले, तो वहीं से बोलना चाहिए। आप सवारी बैठी ना, हमको उस नाव में बैठा दीजिए, आप यहाँ का ठेकेदार है ना, वो बोला ना नाव वाला। दोस्तों, बात यह है कि वहाँ पर डील होता है, पहले डील होता है कि हम आपको यहाँ से ले जाएंगे घाट में, घाट से आपको बोट करा देंगे और बोट में आप लोग को पूरा घुमा लेने के बाद यहाँ आएंगे और उसके बाद पैसा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जो गाइड हमको लेकर यहाँ नदी के किनारे तक लेकर आए और यहाँ बोट वाले का अलग से पैसा लगेगा और ये जहाँ जहाँ भी घुमाएंगे उसका पैसा अलग है और उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वहाँ से यहाँ तक ले आने के लिए 600 रुपया डिमांड करते हैं। तो सावधान रहिएगा, कभी भी आइएगा तो खुद चल के यहाँ आ जाइएगा, कोई गाइड का सहारा बिल्कुल भी मत लेना। तो अभी बोट में बैठ गए हैं और बोट में बैठने के बाद अभी हमारा यात्रा शुरू होता है। आप लोग तो बने रहिए और देखते रहिए। इसके बाद फाइनल लिस्ट बताना चाहिए, आदमी उस हिसाब से टारगेट करेगा। हाँ, बताए हम आपको बिना लिस्ट वाला लेंगे।
लेकिन सीधा साधा पे दिए हो, हिलाइएगा डुलाइएगा तो हम लोग को परेशान हो जाएंगे। हेलो पहनो मशीन वाला कोई दिखाई दे रहा है आपको? मैस, हाँ, मैसेंस है वो, मछली सब भी है। नागा साधु सब भी नाव से जाता है ना? पूरा संसार जाता है नागा, हम बहुत नाव लेते हैं। अच्छा अब तो बताइए, अब तो आपका वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ मिलेगा पैसा तो हम साथ में कलक बदल जाता है। जो हनुमान जी मंदिर देखे थे ना, वहाँ का जल गया था इस बार। इधर पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है यहाँ, 40 फीट पानी है, बीच में 80-90-100। ऐसे जो पुल है जमुना जी का है? हाँ जमुना जी पुल है। सीताराम पटना और गंगा सागर चली जाती है। सरस्वती जी कहाँ? सरस्वती गुप्त नदी है। जैसे बहन हम तीन चोटी बनाते नहीं, बनाने के बाद दुए दिखाई देता, तीसरी चोटी नहीं दिखाई देता, वैसे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती। इसमें दो आपको स्पष्ट पाएंगे और एक को लुप्त पाएंगे। दोस्तों अभी जो है संगम जहाँ पर त्रिवेणी है, त्रिवेणी तक हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ गंगा और जमुना जी है दृश्यमान होते हैं और माता सरस्वती यहाँ पर लुप्त हैं। तो ये नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे सेंटर में, और बने रहिए अभी जा रहे हैं। यहाँ खाली जमीन नहीं है, खाली जमीन नहीं है, वहाँ झूला बना दो नाव जोड़ के, उसी में खड़े होकर नहाना है। 50 रुपया झूला वाला लेता है, मांगी भी 90-60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया आप है ना, चलिए 50 रुपया ज़्यादा नहीं लेगा, सब आप ही को कराना है। तीन दिन की छुट्टी में 3 बजे देव दर्शन हुआ, आप क्या समझते हैं? प्रभु का कृपा नहीं है तो क्या है, लोग आकर के ऐसे ही चला जाता है। मेले को मेले में कुटकी भर नोड़ लेके आते, नहा नहीं पाते। हाँ हो गया था सामने से आ रही है, इसका माता पिता मर जाते हैं। गंगा जी में गंगा जी आ गई। अच्छा छुट्टिया रही गंगा जी तो भाई वो जमुना जी है। यहाँ तक वो गंगा जी हैं? नहीं इसमें जमुना जी है। अभी ये मिक्स हो के सब काशी जा रही है, ये दोनों नदी मिक्स बनारस जाती है। किला बहुत ज्यादा
ये संगम है त्रिवेणी जो होता है, ये संगम देखिए उधर जमुना जी है, ये गंगा जी है और उधर लुप्त है सरस्वती जी। तो ये है त्रिवेणी जो संगम है यहीं पर है। तो यहाँ पर देखिए सारा बोट यहाँ पर रुका हुआ है और सब एक बोट में दूसरा बोट ऐसा बांध के रखा है देखिए, और उसमें लोग प्रेस नाव से नाव और यहाँ नारियल वगैरह छोड़ने का होता है। तो यही सब है यहाँ पर। अभी नहीं सब वीडियो बना रहे लोकल। अच्छा बाबू नाम भैया भी आते हैं करते हैं। बड़ी बड़ी भैया नीचे रखिए जगह बना के, अभी रखिए बाबू जी जगह बना के। बाबू जी कहाँ से आना हुआ आपका? हम लोग घर बिहार है, उड़ीसा से आए हैं। वो दोनों आदमी का उड़ीसा घर है। पप्पू गुरु बाबू जी इसमें हाथ लगाइएगा। देखिए बाबू किराया भाड़ा नहीं है, धन का शोभा धर्म होता है। लोग कहीं भी आते हैं इसके भाग में जो होता है दान धर्म करके निकल जाता है। मंत्र का उच्चारण के बोले ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु अद्य नमः परमात्मने शेषतः द्वारः कल्पे वैवश मन्मन्त्रे अष्टाविना सप्तमे युगे कल युगे कल्पथम चरणे जाम्बुदीपे भरतखण्डे भरतवर्षे देशान्तर गते विष्णुः प्रजापत क्षेत्रे मासोत्तमे महामंगल पद्मासे भाद्रपदमासे शुभे शुक्लपक्षे द्वादश्यामो संक्रांत त्रयोदश्यामो पूर्णौ मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक भोक्ता भुक्त पाप दोष त्रिवेणी तटे स्नान फल प्राप्त गंगा पूजन संकल्प ब्राह्मण भोजन संकल्प हाँ जोड़िए घर से आने का संकल्प हुआ। गंगा माँ से विनती करिए परिवार में सुख शांति हरा भरा रहे। बोलो नमो नमस्ते, आँख खुले रहिए, बोलो नमो नमस्ते देव देवाय सिद्धकंठाय वेद से रुद्राय चापहस्ताय शंकरने दंडने नमो नमः सरस्वती चागायत्री वेद माता गर्यशी संधात्री भव तीर्थ तीर्थ पाप वर्णासनी नमो नमः नमः नमः। घर से आने का संकल्प करा दिया, गंगा मैया से विनती करा दिया, परिवार में सुख शांति हरा भरा रहे। समझ बाबू जी तुलसी कहे रघुनाथ से प्रयाग में आए बड़े भाग से थाली उठाए दोनों हाथ से थाली उठाई हो गया। बोले इदम फलम मया देवी अस्थापितम पुरुस्तव तेन मे शपला वाप्तिर भावेद जन्म जन्मनि श्रीगंगा यमुना यमोर्मध्ये यत्र गुप्ता सरस्वती हेट फलम द्रव्यम नमस्तुते गंगा माता यमुना माता स्वस्ती माता प्रयाग यात्रा सफलता देना मनोकामना पूर्ण करना पूर्ण करना पूर्ण करना पूर्ण करना। नीचे रख लीजिए फूल को हाथ में ले लीजिए ऐसा करके। अभी ले लीजिए ऐसा ऐसा करें ऐसा।
काल कंठक कंठक दूर दूर सब दिन सब दिन रहे भरपूर रख लिए इसी में पैसा देकर आशीर्वाद इनको रख नहाइए अपना बाबू जी अपना नाम बोलिए आप चंद्र सिंह कह रो रहे हैं आप दूर सब दिन रहे भरपूर रख लीजिए इसी में रख लीजिए गुरु जी तो कराए सब कराए लेकिन प्रथम पूजा श्री गणेश का तो आप बताए नहीं कराए यहाँ पर आप जब आप बैठेंगे ना जो पूछा देते हैं तब होता है तब वो तो भगवान नहाने के बाद होता है दूसरा होता है तब गणेश भगवान नाम ले आता है ये देख पूजा में बैठे पेटीएम करेंगे बहुत दे दीजिए कैश नहीं है ना कैश नहीं है 10-20-50 तो फिर और अच्छा 400 आपका 400 अभी देखिए गंगा जी स्नान हो गया यहाँ त्रिवेणी में जो संगम है गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलन जगह है यहाँ पर स्नान किया है सेंटर में आने के बाद यहाँ पर बोट पे एक बांधा गया है 2-3 बोट को एक जगह में बांधा हुआ है वहाँ उतर के नहाने के लिए तो उसमें नहाए और नहाने के बाद फिर अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं किनारे में और हमारा बोट चल रहा है देखिए लोग इधर देखिए सारे बोट में लेके इधर आए हैं सर सब बढ़िया है सब कलर हो जाता है अभी नवा खरीदा है पुराना है अभी मेले में जो है चेन होगा ये सब मेले में प्रशासन से चेन होगा अपने पल्ले से खरीदना पड़ेगा ATM नहीं है मोटर बोट है सब बड़े बड़े कंपनी आते हैं सब कंपनी वाले प्रचार के लिए प्रचार के लिए तो गाइस ये था फाइनली प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम का नज़ारा और इस ब्लॉग में आप लोग को दिखा कि यहाँ पर कैसा बोट में अंदर तक जाते हैं और जहाँ उसका सेंटर पॉइंट है जो संगम है वहाँ पर स्नान किए पूजा पाठ भी किए तो बहुत लोग भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इतना सारे लोग इधर जा रहे हैं बोट में वहाँ पर स्नान कर रहे हैं अपना पूजा पाठ करके फिर आ रहे हैं तो अभी हम फाइनली वहाँ से पूजा पाठ करके नहा धो के बाहर आ गए ये देखिए किला के बगल से हम यात्रा शुरू किए थे और एक किला का बगल में अभी पहुँच गए हैं और ये पहुँचने वाले हैं तो आज का ब्लॉग में आई होप कि जितना सारा आप लोग को दिखाया आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों आज के लिए इस संगम का ब्लॉग ये था और फिर मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए जय हिंद वंदे मातरम जय गंगा मैया।